सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहन करने की क्षमता होती है, उसके बाद वो ना तो रिश्तों को जरूरी समझता है और ना तो अपनों को। आजकल की जनता CBI और सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं करती। एक हमारा बचपन था जब हम आधा पादा कौन पादा करके ही आधे मामले निपटा लेते थे। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है, कितनी भी पुरानी हो जाए फिर भी शब्द नहीं बदलते। आज का पंचांग 18 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि, शाम 5:31 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्लेषा नामक नक्षत्र सुबह 7:56 तक रहेगी। इसके उपरांत मघा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:03:35 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर सुबह 7:56 तक रहेगी। इसके उपरांत सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। तुला राशि 18 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार, आज कुछ अच्छे और कुछ अधिक चुनौतीपूर्ण मूवमेंट आ सकते हैं। यदि आपको किसी से उधार लेना है तो यह संभावना है कि आज आपसे वापस के लिए दबाव बढ़ सकता है, लेकिन धैर्य रखें और जितनी जल्दी हो सके उधार चुका दें। उपहार मिलने की बात से यह आपके लिए एक आनंददायक दिन हो सकता है। यह आपके रिश्तेदारों और दोस्तों के प्रेम में समर्थन का परिणाम हो सकता है। अपने किसी वादे को पूरा ना कर पाने की स्थिति में आपको अपने प्रेमी के साथ झगड़े हो सकते हैं और उन्हें अपनी स्थिति समझना महत्वपूर्ण होगा। समझौते करने की कोशिश करें और उन्हें आपकी पक्ष समझाने का भी समय दें। आज आपकी मानसिक स्थिति और काम की धीमी गति आपको थोड़ा तनावग्रस्त बना सकती है, लेकिन इसे स्वीकार करें और समय समय पर आराम करने का प्रयास करें। अगर आपको अपने लिए समय नहीं मिल पा रहा है तो कुछ छोटे मोटे आराम के बिना अपने काम के साथ इंटरवल डालने का प्रयास करें। यह आपकी ऊर्जा को बढ़ाने में मदद कर सकता है। आपके जीवन साथी की सेहत के साथ संबंधित योजना का रद्द होना चिंता करने वाली बात हो सकती है। अपने समय का बेहतरीन उपयोग करने के लिए प्रभावशाली और अनुभवी लोगों के संपर्क में रहने का अवसर अवश्य न छोड़ें। इससे न केवल आपके संबंधों का दायरा बढ़ेगा बल्कि आपकी पहचान भी मजबूत होगी। छात्रों को अभी पिछले कुछ समय से चल रही परेशानियों से राहत मिलेगी। किसी संबंधी के यहाँ समारोह आदि में जाने का निमंत्रण मिल सकता है जिससे संबंधों में गहराई और समर्थन मिलेगा। काम को आसान तरीके से करने के लिए आपको समय का उपयोग अच्छे से करना होगा। अपने स्वभाव के नकारात्मक पहलुओं के बारे में सतर्क रहें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। आत्मविश्वास बनाए रखें और अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह से फोकस करें। अपने जीवन में की गई गलतियों को समझें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। इससे आपका जीवन और भी उत्तम होगा। करियर के मामलों में एक नया मौका आने पर उन्हें स्वीकार करने का विचार करें। नए अवसर आपको नए और बेहतर कार्यों की दिशा में ले जा सकते हैं। इसे अवश्य माने और उसका उत्तरदायित्व सही ढंग से निभाएं। आज आप में उत्साह है कि आप कुछ नया करने और दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा रहेगी। आप मजबूत और ठोस निर्णय लेने में सक्षम होंगे और इसे करने में आपका समय पूरी तरह से सही होगा। आप अपने पुराने कर्ज और एहसानों से भी मुक्त होंगे जिससे आपका मानसिक बोझ कम होगा। आपकी तेज सोचने की क्षमता के कारण आप किसी की जरूरत के समय मदद करने में सक्षम होंगे। जिन चीजों पर आपका नियंत्रण नहीं है उनके लिए आप अक्सर अनजाना और दोषी महसूस कर सकती हैं। अतीत की चिंता आपको फिर से परेशान कर सकती है। आपको अपने अंतर्ज्ञान का पालन करना चाहिए और वह काम करना चाहिए जो आपके शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। आपको अप्रत्याशित रूप से धन मिल सकता है, लेकिन सोच समझकर उसे निवेश करें। आज आप जोखिम उठा सकते हैं क्योंकि आगे कुछ दिनों में सफलता की संभावना अधिक है। कुछ लोग समाज में सम्मानजनक स्थिति प्राप्त करेंगे
और जितनी कड़ी मेहनत और प्रयास आप करेंगे उतनी ही जल्दी आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। कामयाबी हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी क्षमता पर विश्वास करना चाहिए कि आप यह कर सकती हैं। सावधानियां, अपने ध्यान को वर्तमान पर ही केंद्रित रखने का प्रयास करें। बीती हुई नकारात्मक बातों को अपने वर्तमान पर ना हावी होने दें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप अपने लक्ष्य के प्रति संवेदनशील रहें। युवाओं को भी अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने में सहायता करें। युवाओं का ध्यान आमतौर पर विभिन्न चीजों पर विचलित होता है, जिससे उनके लक्ष्य पर केंद्रित होने में कठिनाई हो सकती है। आप उन्हें समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, उनकी सहायता कर सकते हैं। संबंधों को संभालने का दायित्व आप पर है और इसमें सहयोगी बनकर और समझदारी से वार्ता करके आप संबंधों को स्थिर कर सकते हैं। बात करते हैं लव लाइफ की। यह अवसर बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है जिसका आपने इंतजार किया है। आज वो सपने सच हो सकते हैं जो आपने बहुत दिनों से देखे हैं। इस संबंध में आप गंभीरता से आगे बढ़ेंगे और यह संबंध सामान्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके लिए शायद आपको अन्य कुछ अवसरों को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन यह भावनात्मक और सामाजिक महत्व के साथ आपके जीवन को भी बेहतर बना सकता है। इसके लिए आपको निर्धारित और स्थायी निर्णय लेने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन आपके साथी के साथ एक मजबूत और संवेदनशील संबंध की संभावना है। गुप्त या रहस्यमय रिश्ते को सामने लाने का समय आ गया है और आपके लिए रोमांस और यौन सुख की भी संभावना है। यदि कोई आपसे अपने दिल की बातें साझा करता है तो यह संकेत हो सकता है कि वह आपकी ओर आकर्षित है। इसे व्यर्थ न जाने दें। आपको पूरा ध्यान करियर और काम पर है, लेकिन अपने पार्टनर के लिए अपना ध्यान अपनी ओर करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यह साहसिक, दार्शनिक और आशावादी और बहादुरी से भरा है, इसीलिए आपके जीवन में अपनी खास जगह बनाने के लिए कई लोग दिलचस्पी रखते हैं। अगर किसी रिश्ते में गलती होती है तो दूसरे को उसे माफ करके आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। बात करते हैं करियर की। जीवन में आने वाले खतरे या अपमान आपके हौसले को नहीं तोड़ पाएंगे। आपको अपने करियर को बढ़ाने के बारे में भी विचार करना चाहिए और अपनी मानसिक शक्तियों का सही प्रयोग करना चाहिए। करियर और निजी जीवन के रहस्यों को उजागर करने का समय अब आ चुका है। आपके प्रयासों में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपके रास्ते में कई बाधाएं आ सकती हैं। आज यह समय है कि आप आगे कदम बढ़ाएं। अपनी भावनाओं को उच्च रखें, क्योंकि इस समय आपको वह मिल सकता है जिसके आपने हमेशा से इच्छा की है। अपने बेकार हो गए प्रयासों से निराश न हों। आपको फिर से खड़े होकर प्रयास और कार्य करने की जरूरत है। बेशक आपके द्वारा दी गई जानकारी से अहम मुद्दों का हल निकला ना हो, लेकिन इससे आपको कुछ जटिल विवरणों की एक बेहतर जानकारी मिलेगी। आज के दिन का आप आनंद लें, क्योंकि अतीत के निवेश आपको आर्थिक रूप से लाभ भी हो सकता है। बात करते हैं सेहत की। खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य का राज है, इसीलिए आप खुश रहें। और इसका उल्टा भी इतना ही सच है। आपके लिए यह जरूरी है कि आप खुश रहने और स्वास्थ्य के बीच के इस संबंध को समझें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मन से खुश ना होने की स्थिति में जितनी ऊर्जा आप स्वस्थ रहने में लगाते हैं, वह सब बेकार हो जाएगी। अगर आप अच्छा स्वास्थ्य पाना चाहते हैं तो आपको ठंडे दिमाग से सोचकर अपनी नाराजगी का कारण पता लगाना और उसे दूर करना होगा। आज का उपाय। आज आप भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा आराधना करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।